हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैमरा शटर के बारे में। हर DSLR कैमरा में एक शटर होता है। जैसे ही हम फोटो क्लिक करते हैं वैसे ही शटर ओपन एंड क्लोज होता है। जितनी देर के लिए आपका कैमरे का शटर ओपन होता है उतनी ही ज़्यादा लाइट सेंसर तक पहुंच पाती है। शटर स्पीड सेकंड्स में रिकॉर्ड की जाती है, जैसे कि 1 सेकंड, 1/60 सेकंड्स, 1/20 सेकंड्स एंड सो ऑन। जैसे कि आप शटर स्पीड डायग्राम में देख पा रहे हैं 1/500, 1/250, 1/150 में बिल्कुल शटर स्पीड बहुत फास्ट मूव करेगी। और जैसे ही आप उससे नीचे जाएंगे 1/60, 1/30, अपना फोटोग्राफ में मोशन ब्लर आ रहा है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं शटर स्पीड 1/100 हो रखी है, और जैसे ही मैं इस शटर स्पीड को इंक्रीज़ करूँगा वैसे ही वीडियो डल होती जाएगी। ये देखिए 1/60 हो गई तो और डल हो गई है, 1/200 से और डल हो गई है, 1/250, 1/350, 1/400, ये शटर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं इसको कम करता रहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। जैसे कि आप डे लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको शटर स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि 1/500, 1/1000, 1/2500, क्योंकि डे लाइट में बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है या फिर सनी डे होता है तो आपको इतनी ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए आप शटर स्पीड इंक्रीज़ करके उसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। जैसे कि आप नाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको शटर स्पीड काफ़ी कम करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू डे लाइट, जैसे कि 1/400, 1/160, 1/125, 1/60 एज़ पर योर नीड। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ के बारे में चाहिए। थैंक यू।